दोस्तों आपसे बढ़िया होंगे। तो फिर फिर से एक बलिनो जो अपना 2022 मॉडल आने वाला है, जो अपना जो मॉडल अपना पूरे बेस मॉडल आने वाला है जो अपना सिग्मा, तो इसमें जो अपना काम हुआ अपने ऑलमोस्ट इसमें अपना इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर, तो इसमें सारा ऑलमोस्ट सारा काम रखा है। जैसे कि अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी देख पा रहे हो, जैसे अपना हेडलाइट के उसमें अपना प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टर में हमने LED डाला है जो कि अपना डैश ब्रांड की रहने वाली है। और इसमें DRL की बात करें तो DRL इसमें अपने मैट्रिक से जो अपने मैट्रिक्स की बात करें तो अपने अभी देख पा रहे हो कुछ अपने मैट्रिक्स अपने इस तरीके से रहने वाले, और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कुछ अपने इस तरीके से रहने वाला है देख पा रहे हो। बाकी प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर देख पा रहे हो जो अपने IPS के प्रोजेक्टर में अपने क्रिस्टल की अपने 120 वाट की इसमें LED इंस्टॉलमेंट हुआ है। बाकी इसमें अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आप लोग कुछ देख पा रहे हो जो अपना इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक, इसमें बंपर कॉर्नर भी चेकआउट कर सकते हो, ब्लैक एंड क्रोम की जो फिनिशिंग है। बाकी थैली देख रहे हो जो अपने ब्लू कलर की थैली अपने रिमूव करके अपने क्रोम की अपनी शेप है। बाकी इसमें देख पा रहे हो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में कुछ अपना इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में इसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें बिल कवर जो कि प्रीगन ब्रांड की है, जैसे इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं जो अपना सिल्वर होता है तो उसको हमने पेंट करके अपने बिल कवर लगाए गए हुए। बाकी इसमें अगर साइड बिटिंग की बात करें इसमें ब्लिनो की ब्रांडिंग के साथ आपको इसमें एक साइड बिटिंग में मिलेगा इसमें चारों डोर के साथ जो देख पा रहे हो उसमें क्योंकि ब्लैक एंड सिल्वर में। बाकी जो क्रोम की बात करें तो क्रोम भी देख पा रहे हो कुछ हमने देख पा रहे हो अपने क्रोम जो अपने वैल्यू ब्रांड के रहने वाले हैं। एक डोरवाइजर भी देख सकते हो ब्लैक एंड क्रोम की फिनिशिंग में कुछ हमने इस तरीके से रहने वाला है। बाकी अगर पीछे की बात करें तो पीछे में भी आपको देखने को मिलेगा अपना एक रियर गार्ड, एक इसमें आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा जो अपने मैट्रिक्स में अगर इंटीरियर की बात छोड़कर अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको दिखाने जा रहा हूँ तो अगर डोर खोलते हो आपको यहाँ पे एक दर्शन ब्रांड मिलेगा जो ब्लिनो के ब्रांडिंग के साथ। बाकी इसमें कलर ऑप्शन की बात करें तो कलर ऑप्शन इसमें आपको 2-3 तरीके का आता है, आप वाइट ब्लू जो भी अपने काउंटर पर आपने परचेज कर सकते हो कलर चॉइस कर सकते हो। बाकी इसमें सीट कवर की बात करें तो सीट कवर इसमें एक फुल ब्लैक इसमें सीट कवर डला हुआ है जो देख पा रहा हूँ इसमें। बाकी इसमें फिटिंग की बात करें तो प्रॉपर इसमें बकर से फिटिंग हो रखा है, तो इसमें कहीं से भी आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें फ्लोरिंग में डला है जो अपना डाई वाले प्रॉपर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाकी इसमें फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग देख पा रहा हूँ जो अपना वाटर प्रूफ फ्लोरिंग, साथ में इसमें अपने 70 मैट। बाकी इसमें स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग इसमें रैपिंग देख पा रहा हूँ जो प्रॉपर अपना ओएम शेप में, साथ में इसमें स्टेयरिंग देख पा रहा हूँ जो अपना स्टेयरिंग कंट्रोल है जो मारुति की जर्मन है जो कि अपना मारुति की अपना ओरिजिनल हब के साथ इसमें इंस्टॉलमेंट हुआ है। बाकी सीट कवर की बात करें तो सीट कवर आपको देख पा रहा हूँ प्रॉपर अपना फुल ब्लैक के साथ है। बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ जो देख पा रहे हो प्रॉपर अपना इसमें आर्मरेस्ट जो कि इसको BMW अपना इंस्टॉल किया जाता है जो कि देख पा रहे होंगे इस तरीके से। एक बार मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ बाइक का। इसमें आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी देख पा रहे हो जो इसमें अपने डिजाइन अपने BMW डिजाइन इसमें कहा जाता है, जबकि इसमें आपको स्टॉलिंग की बात करें तो कुछ अपने इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। बाकी मैं इसमें खोल के दिखा दूँ कुछ अपने इस तरीके से देखने को मिलेगा जो देख पा रहे हूँ कुछ अपना। बाकी इसमें एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड देख पा रहे हो प्रॉपर अपना मारुति के अपना ओरिजिनल फ्रेम में अपना प्रॉपर इसमें 9 इंच अपना एंड्रॉइड में इंस्टॉलमेंट हुआ है जो अपने ब्रांड अपना P20 कंपनी है। तो देख पा इसकी रैम की बात करें इसमें 2 GB रैम 16 GB इंटरनल मेमोरी है। बाकी अगर स्टेरिंग रैपिंग की बात करें तो स्टेरिंग रैपिंग देख पा रहे हो प्रॉपर अपना ओएम शेप में आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी इसमें स्टेरिंग कंट्रोल भी आपको मारुति की जर्मन मिलेगा आपको जो कि अपने मारुति की जर्मन हब के साथ। बाकी गाइस इसमें सिस्टम की बात करें तो मैं आपको एंड्रॉइड दिखा चुका हूँ जो कि प्रॉपर इसमें 9 इंच के प्रॉपर जो इसमें डाला हुआ है अपना P20 का देख पा रहे होंगे। बाकी इसमें स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स में चारों डोर में इसमें हमान की नॉर्मल स्पीकर डाला हुआ है जो इसमें कॉक्सल कहा जाता है। बाकी इसमें लीवर की बात करें तो लीवर देख पा रहा हूँ जो अपना बेस मॉडल में फुल ब्लैक इसमें लीवर आता है तो अपना वो भी अपना एक्सचेंज हुआ जो कि अपना मारुति की जर्मन पार्ट है जो अपना टॉप मॉडल वाला जिसमें अपना अल्फा मॉडल में आता है डेल्टा मॉडल में आता है तो अपना वाली पार्ट है जिसमें बेस में अपना फुल ब्लैक आता है तो अपना एक्सचेंज करके प्रॉपर अपना इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ जो मारुति जर्मन पार्ट अपना एक्सचेंज होकर लगा हुआ है। बाकी इसमें अगर इंटीरियर की बात करें तो देख पा रहे होंगे जिसमें अपना देख पा रहे होंगे अपना साइड की अपना फिक्स छटन। बाकी अगर सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर मैं आपको एक बार पीछे की भी दिखाने जा रहा हूँ जैसे कि देख पा रहे हो अपना फुल ब्लैक सीट कवर जो अपना प्रॉपर बकर से फिटिंग है।